हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे नीड ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, दैट इज LAC। सो फर्स्ट इज लैंग्वेज इज बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू डिफरेंट मीनिंग मेकिंग कंटेंट एंड लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट्स इज डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज के ज़रिए हम नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, जैसे कि मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर्स, जनरल नॉलेज एट्सेट्रा, या कोई भी एक्टिविटी हो गई स्कूल में जो हम कंडक्ट कराते हैं लाइक क्विज एट्सेट्रा, तो इनके लिए भी हमें एक भाषा चाहिए होती है। तो ये सब एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराने के लिए, किसी और सब्जेक्ट का ज्ञान देने के लिए बच्चों को, वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है। देयरफोर वी नीड लैंग्वेज इन करिकुलम। सेकेंड इज़ टू हेल्प लर्नर्स टू कलेक्ट डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देखिए, जब बच्चा दूसरी भाषा में किसी एक सब्जेक्ट को सीखता है, जैसे उसने मैथमेटिक्स हम बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो जब उसको वो मैथ्स पढ़ेगा तो कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी वहाँ पे, ऐसे ही साइंस में, मैथ्स में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिनका मीनिंग वो जानेगा। तो जब हम बच्चे को कोई और नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैथ्स साइंस, तो उस वक्त कुछ ऐसी टर्म्स आई उन सब्जेक्ट्स में जिससे बच्चे को लैंग्वेज का भी ज्ञान होता है, लैंग्वेज के वो टर्म्स क्लियर होते हैं। जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं, फिर बच्चा उनके भी मीनिंग को जानता है। नेक्स्ट इज़ टू हेल्प लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इन फॉरेन लैंग्वेज। अब देखिए, बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान होता है, जैसे कि बच्चे की इंडिया में बात करते हैं, हमारी जो मदर टंग होती है वो ज़्यादातर, अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे कन्नड़, मलयाली, तमिल, तेलुगु, ये सब आपको मिलेगी। एंड हम अगर नॉर्थ साइड की बात करें तो कहीं पे हिमाचली, हरियाणवी और ऐसी लैंग्वेजेस मिलेंगी, कोई हिंदी बोलता होगा। तो अब बच्चा स्कूल में आ रहा है तो वो इंग्लिश सीखता है, आजकल हर ही स्कूल में इंग्लिश है, तो उसको दूसरी भाषा का ज्ञान होता है। अब देखिए, उसको इंग्लिश आएगी तो उसकी फॉरेन लैंग्वेज है ये, एक उसको उसका ज्ञान होगा, कल को वो फॉरेन जाएगा या दूसरे देश में जाएगा तो उसको आसानी होगी क्योंकि उसको उस भाषा का पहले से ही ज्ञान है। इसी तरह अगर बच्चे को जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, ऐसी लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती हैं स्कूल में, तो आगे जाके उसको और हेल्प होती है क्योंकि उनको फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान स्कूल लाइफ में ही हो जाता है। नेक्स्ट इज़ टू ओपन अ वास्ट करियर वर्ल्ड बिफोर द स्टूडेंट्स। देखिए, अब बच्चे को फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान है तो उसके लिए करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, वो बड़ा होके किसी कंट्री में जॉब कर सकता है या इंडिया में ही करे, हम अपने बच्चों की बात करें तो बच्चे फिर और लैंग्वेजेस में, जैसे मल्टी लैंग्वेज, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई आपकी, ट्रांसलेटर्स की जॉब हो गई, तो ऐसे बच्चा बहुत सारे वास्ट करियर ऑप्शन उसके लिए बन जाता है। नेक्स्ट इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिटेड टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। देखिए, बच्चे की जब स्कूलिंग कंप्लीट हो जाए किसी एक फॉरेन लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो एट्सेट्रा, जो सी भी लैंग्वेज हो, तो आगे जाके बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना आसान हो जाता है एंड वो इसके बारे में सोच भी सकता है। क्यों? क्योंकि जिस फॉरेन यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहता है वहाँ की लैंग्वेज का ज्ञान उसको हो जाता है और ऐसे उसको एडमिशन लेने में भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज टू एक्सपैंड द आइडियाज ऑफ लर्नर्स। देखिए, हम जितनी लैंग्वेजेस सीखते हैं, जितनी चीज़ें सीखते हैं, उससे हमारे आइडियाज हमेशा ही इन्हांस होते हैं, बढ़ते हैं, तो इसी तरह से एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का ज्ञान जो हमारी मदर टंग के अलावा हम सीखते हैं तो वो बिल्कुल हेल्प करती है कि हमारे आइडियाज उससे, उसके साथ एक्सपैंड हों। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। अब देखिए, जब एक
अपनी आप को हम जब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ढाल लेते हैं, हमें वो लैंग्वेज पता चल जाती है, तो हमारे लिए बाकी चीज़ें उससे पढ़ना आसान हो जाता है। कैसे? जैसे कि अगर एक बच्चे को मैथ्स पढ़ना है और उसका मैथ्स इंग्लिश मीडियम में है, और उसको जब इंग्लिश मीडियम भाषा की ज्ञान हो गया, उसको आता है, तो अब वो खुद से पढ़ सकता है मैथ्स को। मतलब कहने का है कि सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी अब बच्चा खुद कर पाएगा, चाहे वो लैंग्वेज की करनी हो या किसी और सब्जेक्ट की, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट की करनी हो। जब उसकी एक बार भाषा में पकड़ बन गई, जिस भी लैंग्वेज मीडियम में वो पढ़ रहा है, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी करना आसान हो जाता है। तो यही थी नीड ऑफ LAC। यहाँ पे कुछ इजी मैंने नीड्स जो छाट के आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, और आपके बेनिफिट्स, एम्स, ये सब भी इसी पे आधारित हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको सेंटेंस को बस मोल्ड करना है, बाकी हर चीज़ सेम ही है। थोड़ा सा आपको उसको बदल के लिखना है, एक तरह से ट्विस्ट कर देना है सेंटेंस को। तो आप ऐसे ही बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं, एम्स भी लिख सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि LAC होता क्यों है, क्या नीड है उसकी, क्या मीनिंग है उसका। एक बार ये पता चल गया तो आप अपने आप ही बेनिफिट, एम्स सब बनाकर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।